दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है HP कंपनी के तरफ से आने वाला एक ऑल इन वन इंक जेट वाईफाई कलर प्रिंटर, जिसका मॉडल नंबर है डिस्क जेट इंक एडवांटेज 4178। काफ़ी सारे फीचर आपको इस प्रिंटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप होम यूज़ के लिए बजट के अंदर एक अच्छा प्रिंटर लेना चाहते हो तो यू कैन गो विद दिस प्रिंटर। इसमें आपको कॉपी, प्रिंट एंड स्कैन, ये तीनों फीचर देखने को मिल जाता है जो कि एक ऑल इन वन प्रिंटर में होता है। साथ ही आपको इसमें फैक्स फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप इस प्रिंटर का यूज़ करके फैक्स सेंड एंड रिसीव कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इस प्रिंटर को कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये एक वाईफाई प्रिंटर है तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ बिना किसी वायर कनेक्शन के कनेक्ट कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन से कैसे आप इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, कैसे मोबाइल फ़ोन से बिना किसी वायर कनेक्शन के प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये भी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटर का बॉक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है डिस्क जेट इंक एडवांटेज 4178। HP का लोगो आप देख सकते हो और प्रिंटर दिखने में कैसा है वो आपको बॉक्स के बाहर से ही दिख जाएगा। कुछ ऐसा देखने को है हमारा प्रिंटर। बॉक्स के ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रिंटर में प्रिंट, स्कैन एंड कॉपी, ये तीनों फीचर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही मोबाइल फ़ोन से आप फैक्स सेंड कर सकते हो। ADF प्रिंटर है। 35 पेजेस ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको वाईफाई का भी ऑप्शन मिलता है, USB पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इनपुट ट्रे में आप अप टू 60 पेजेस तक रख सकते हो। यहाँ पे आपको प्रिंटर के साथ कार्टिजेस भी दिए जाते हैं, जिसका मॉडल नंबर है 682। बॉक्स के इस साइड में अगर देखें तो यहाँ पे प्रिंटर का प्राइस और इस प्रिंटर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। प्रिंटर का प्राइस, रिसेंट प्राइस एक्चुअली क्या है, देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। उस लिंक पे क्लिक करके इस प्रिंटर के बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस वेरी करता रहता है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रिंटर के बैक साइड में वही सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटर के ऊपर के तरफ भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये प्रिंटर कौन कौन से OS में सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैक OS में भी सपोर्ट करता है एंड विंडोज में भी सपोर्ट करता है। प्रिंटर के साथ आपको कार्टिजेस भी दिए जाते हैं। कलर कार्टिज एक मिलता है एंड एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्टिज आपको मिलता है। तो कलर कार्टिज जो है उसका मॉडल नंबर है 682, ब्लैक कार्टिज का भी मॉडल नंबर है 682। यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस प्रिंटर को अनबॉक्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉक्स को ओपन करता हूँ। बॉक्स ओपन करने पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेटअप गाइड, रेफरेंस गाइड एंड वारंटी कार्ड। उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर कार्टिजेस एंड केबल्स है। प्रिंटर के साथ आपको दो कार्टिजेस एंड दो केबल्स देखने को मिलता है, एक ट्राई कलर कार्टिज एंड एक ब्लैक कार्टिज। एंड यहाँ पे आपको USB कनेक्टिंग केबल देखने को मिलता है, साथ ही पावर केबल भी देखने को मिल जाता है। केबल्स का क्वालिटी इम्प्रेसिव है। एंड फाइनली ये है हमारा प्रिंटर, देखने में काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, HP डेस्कजेट इंक एडवांटेज 4178 प्रिंटर को कैसे सेटअप करना है जान लेते हैं। प्रिंटर में यहाँ पे आप ब्लू कलर के सेलोटेप्स को देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप इनको रिमूव कर सकते हो। अभी आप जानेंगे प्रिंटर में कार्टिजेस को कैसे सेट करना है। यहाँ पे दो कार्टिज मेरे हाथ में है एंड यहाँ पे प्रिंटर में आपको एक डोर देखने को मिलेगा, इसको आपको सबसे पहले ओपन करना है। एंड फिर इसके अंदर एक और डोर आपको देखने को मिलेगा, इसको भी आपको यहाँ पे ओपन करना है कुछ इस तरीके से। तो ये दो डोर ओपन करने के बाद
लेफ्ट साइड में यहाँ पे कार्टिज इंसर्ट करने का स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है जिसमें कि लेफ्ट साइड में कलर कार्टिज एंड राइट साइड में ब्लैक कार्टिज को इंसर्ट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए एक एक करके हम कार्टिज को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कार्टिज को ले लेते हैं। तो ये है हमारा ब्लैक कार्टिज, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्टिकर्स है इस स्टिकर को आपको कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। स्टिकर को रिमूव करने के बाद ये जो स्टिकर है यहाँ पे जो ब्लैक कार्टिज लिखा हुआ है इसको आपको ऊपर की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से। ऊपर की तरफ रखने के बाद जहाँ पे ये ब्लैक कार्टिज इंसर्ट करने के लिए बोला गया है यानी राइट साइड में, वहाँ पे आपको जेंटली इस कार्टिज को इंसर्ट करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम कलर कार्टिज का भी स्टिकर यहाँ से हटा लेंगे एंड इंसर्ट करेंगे। बोथ कार्टिजेस इंसर्ट होने के बाद आपको इस डोर को क्लोज कर देना है। प्रिंटर के बैक साइड में आपको दो सॉकेट देखने को मिलेंगे जिसमें से एक में आपको पावर केबल को प्लग करना है एंड दूसरे में आपको यूएसबी केबल को प्लग करना है। पर अगर आप वाईफाई फीचर के यूज करके वायरलेसली प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो यूएसबी केबल को इंसर्ट करने का जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, एचपी डेक्सजेट इंक एडवांटेज 4178 प्रिंटर को कैसे यूज करना है चलिए जान लेते हैं। इसके सारे फीचर्स को कैसे यूज करना है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा प्रिंटर है ये वाईफाई प्रिंटर भी है। वायरलेसली आप इस प्रिंटर को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने लैपटॉप के साथ, अपने मोबाइल के साथ, अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हो। बट सबसे पहले जो बेसिक है वो सीख लेते हैं कैसे आप विथ वायर कनेक्शन इस प्रिंटर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कैसे प्रिंटआउट निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पावर केबल के मदद से इस प्रिंटर में पावर देना है एंड यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके प्रिंटर को सबसे पहले ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंटर को हमने रेडी कर लिया, वहाँ पे इनपुट ट्रे में हमने पेपर्स को इंसर्ट किया है एंड यहाँ पे आउटपुट ट्रे को भी मैंने ओपन कर लिया है। पेपर वहां से प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आके कलेक्ट होगा। अब प्रिंटर के साथ जो आपको यूएसबी केबल दिया गया है इस केबल को बेसिकली टाइप ए मेल एंड टाइप बी मेल कहा जाता है। तो टाइप बी मेल जो है वो आपके प्रिंटर के साथ कनेक्ट होगा एंड ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसको टाइप ए मेल कहा जाता है। इसको आप अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद आप चाहो तो HP स्मार्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके डायरेक्टली आप HP स्मार्ट ऐप तक पहुंच सकते हो। या फिर आप चाहो तो 123.hp.com इस लिंक पे भी डायरेक्टली आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक सर्च बार है, यहाँ पे आके आपके प्रिंटर का जो मॉडल नेम है वो सर्च करना है। जैसे कि हमारा जो प्रिंटर है वो है HP डेस्कजेट 4178। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा मॉडल नेम है ये यहाँ पे आ गया है, HP डेस्कजेट इंक एडवांटेज 4178 ऑल इन वन प्रिंटर। तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे इंस्टॉल HP स्मार्ट का एक बटन आपको शो करेगा। इस बटन पे क्लिक करके आप HP स्मार्ट एप्लीकेशन को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। HP स्मार्ट एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए भी आप प्रिंटआउट निकाल सकते हो, बट इस एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए आप स्कैन फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इस वीडियो में स्कैन फीचर को कैसे यूज़ करना है ये भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे गेट का बटन आप देख सकते हो, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ही सेकेंड्स, या डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, अगर स्पीड ठीक ठाक है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसे ही HP स्मार्ट ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन का बटन शो करेगा। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेटअप अ न्यू प्रिंटर का और साथ ही ऑप्शन आएगा साइन इन का। अगर आपने पहले भी HP स्मार्ट एप्लीकेशन को यूज किया है या HP का आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो आप साइन इन के बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हो। या फिर अगर आप नए हो तो यहाँ पे सेटअप अ न्यू प्रिंटर के बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हमारा प्रिंटर का जो मॉडल नेम है HP डेस्कजेट 4100 सीरीज का, ये जो हमारा प्रिंटर है ये यहाँ पे आ गया है एंड यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है। मैंने इससे पहले भी HP के कुछ प्रिंटर्स यूज किए थे,
इसलिए यहाँ पे बाकी प्रिंटर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बट जब आप पहली बार करोगे इस प्रिंटर के साथ तो सिर्फ ये पहला वाला जो ऑप्शन है HP DeskJet 4100 सीरीज ये आपको शो करेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपका जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके साइन इन के बटन पे क्लिक कर सकते हो अगर ऑलरेडी अकाउंट है, या फिर क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब आप स्कैन करने जाओगे या इसके बाकी फीचर्स को यूज़ करने जाओगे तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो नहीं चाहते हो, इसलिए शुरू में ही मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड ये अच्छा भी होता है क्योंकि आप जो एक बार अकाउंट क्रिएट करोगे उसमें आपके प्रिंटर्स के जितने भी डिटेल्स होंगे, अगर आप बाद में किसी दूसरे HP का प्रिंटर भी यूज़ करते हो तो उसमें ऐड कर सकते हो, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे सेव रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड अपना एक ईमेल आईडी अपना खुद का सिलेक्ट किया हुआ पासवर्ड देके यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। सो अभी यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब आपको फिल करना है एंड फिर नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करके आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है, अभी आप यहाँ पे जितने भी फीचर्स ऐप के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं इन सभी को आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो। गेट सप्लाई का जो ये बटन है इस पर क्लिक करके आप चाहो तो इंक्स या कार्टिजेस बाय कर सकते हो HP के वेबसाइट से। यहाँ पे स्कैन फीचर जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप इस प्रिंटर के स्कैन फीचर को एक्सेस कर सकते हो। शॉर्टकट का यहाँ पे बटन है, प्रिंटेबल्स का एक बटन है। प्रिंटेबल्स में बेसिकली कुछ आपको प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, फाइल्स ये सब मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करके टेस्ट कर सकते हो आपका प्रिंटर ठीक है नहीं है, या उसमें अगर कोई फॉल्ट है वो आप चेक कर सकते हो। प्रिंट डॉक्यूमेंट का ये जो बटन है इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का भी बटन है। प्रिंट फोटोज़ के बटन पे क्लिक करके आप फोटोज़ को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग्स का एक बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रिंटर के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इन दोनों बटन्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने शुरू में ही कहा था किसी फोटो या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए HP स्मार्ट एप्लीकेशन को यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो कैसे डायरेक्टली किया जाता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो नाउ बिना HP स्मार्ट एप्लीकेशन को यूज़ किए कैसे आप फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे पिक्सावे से मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इमेज है एंड एक दूसरा इमेज भी है कि एक रिज्यूम का इमेज हमारे पास है, इस फोटो को भी हम प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे एक PDF फाइल है जो कि डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट को भी हम प्रिंट करने वाले हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं नॉर्मल प्लेन पेपर में प्रिंट करूँगा एंड यहाँ पे दो इमेजेस है, एक रेज्यूमी का इमेज है एंड यहाँ पे एक हाथी का इमेज है। तो ये जो रेज्यूमी का इमेज है इसको भी मैं नॉर्मल पेपर में प्रिंट करूँगा एंड ये जो इमेज है इसको मैं ग्लॉसी फोटो पेपर में, यानी जो हाई क्वालिटी का पेपर आता है उसमें प्रिंट करूँगा, ताकि आप नॉर्मल पेपर में कैसा प्रिंट क्वालिटी निकलता है एंड ग्लॉसी फोटो पेपर में कैसा प्रिंट क्वालिटी निकलता है ये दोनों में आप कंपैरिजन चेक कर सको। तो चलिए सबसे पहले हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे प्रिंट का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या फिर आप कंट्रोल प्लस पी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो ये जो मेनू है ये आपके सामने आ जाएगा, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा जो प्रिंटर है वो अभी शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सी मोर का ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड अभी जाके यहाँ पे मेरा जो प्रिंटर है उसको मैं यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है HP DeskJet 4100 सीरीज़, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है क्योंकि यहाँ पे कलर में ब्लैक एंड वाइट सिलेक्टेड है, तो मैं इसको कलर प्रिंट करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ और पेजेस में जाके यहाँ पे ऑल रखता हूँ। यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेपर साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा A4 साइज़ का पेपर है। यहाँ पे क्वालिटी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी में प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे रेजोल्यूशन को भी अपने हिसाब से या क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी अपने हिसाब से जो भी आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हो।
तो मैं भी यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही वहाँ पे प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पेपर है वो प्रिंट होके यहाँ पे निकलेगा, प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस का एंड यहाँ पे प्रिंट होके हमारा पेपर निकलने वाला है। ऊपर आप देख सकते हो वो पेपर वहाँ से अंदर जा रहा है एंड यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू जो है वो प्रिंट होके बाहर निकल चुका है एंड यहाँ पर क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, एचपी क्वालिटी में कभी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्वालिटी आप चेक कीजिए, ये नॉर्मल फोटो पेपर में मैंने प्रिंट आउट निकाला है, फिर भी यहाँ पे क्वालिटी आप देखिए, डिटेलिंग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। अगर आपको प्रिंटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको ये क्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि प्रिंटर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। अभी नॉर्मल पेपर में मैंने प्रिंट आउट आपको दिखा दिया, अभी चलिए ग्लॉसी फोटो पेपर में प्रिंट आउट कैसे निकल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लॉसी फोटो पेपर को मैं इनपुट ट्रे में इंसर्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो पेपर को मैं यूज़ कर रहा हूँ ये खास किस्म का एक पेपर है, ये एक्चुअली एक स्टिकर है। आप यहाँ पे फोटो प्रिंट कर सकते हो एंड फिर यहाँ पे ये बैक साइड में जो पेपर है इसको आप पिल ऑफ कर सकते हो एंड इसको आप स्टिक कर सकते हो, कोई भी ग्लू का ज़रूरत नहीं होता है। ये जो पेपर है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो इस पेपर को मैं यहाँ पे इनपुट ट्रे में इंसर्ट करता हूँ। तो ये जो हमारा फोटो है इसको हम ग्लॉसी फोटो पेपर में प्रिंट करने वाले हैं एंड इसके लिए भी मैं HP स्मार्ट एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली नॉर्मल मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर आपके केस में सिलेक्टेड नहीं रहता है यहाँ पे तो आप सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे आप लैंडस्केप करोगे या पोर्ट्रेट करोगे आप अपने हिसाब से, यहाँ पे सेटिंग्स को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आप पेपर साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेपर टाइप जो है वो हमारा ग्लॉसी फोटो पेपर है, तो यहाँ पे ग्लॉसी फोटो पेपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड फोटो साइज जो है इसको फुल पेज रहने देता है, पेज मार्जिन जो है इसको यूनिफॉर्म मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे फिल जो है इसको श्रिंक टू फिट करते हैं, मोर सेटिंग्स में जाके इसका क्वालिटी जो है वो मैं हाई कर दूंगा। तो मोर सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे HP स्मार्ट एप्लीकेशन जो है, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया इसलिए ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, यहाँ पे HP स्मार्ट एप्लीकेशन का सेटिंग शो कर रहा है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल करके रखा है तो नॉर्मल आपके कंप्यूटर में जो भी सेटिंग्स है वो आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्वालिटी को, यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल है इसको मैं बेस्ट कर देता हूँ एंड अभी मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये सेटिंग्स जैसे ही सेव होगा फिर आप यहाँ पे प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो फोटो है ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पेपर है ये अंदर जा रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रिंट निकल चुका है फोटो ग्लॉसी पेपर में एंड यहाँ पे क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के साथ ये इमेज दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स लैपटॉप में आप इमेज देख सकते हो एंड यहाँ पे प्रिंट आउट होने के बाद क्वालिटी कैसा आया है आप चेक कर सकते हो। HP के प्रिंटर में जो खास बात है ये हर एक डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इनके सभी प्रिंटर में, ये क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। प्रिंट फीचर को कैसे यूज़ करना है ये आपने सीख लिया है, अभी चलिए इस प्रिंटर के कॉपी फीचर को कैसे यूज़ करते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका मैं एक कलर कॉपी एंड एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकालने वाला हूँ। कॉपी फीचर जो है उसमें इस प्रिंटर को आप एक जेरोक्स मशीन की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी बेसिकली इस डॉक्यूमेंट का हम जेरोक्स निकालने वाले हैं, एक कलर जेरोक्स एंड एक ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स।
तो इसके लिए आपको इस प्रिंटर को किसी भी डिवाइस के साथ यानी लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस पावर केबल से आप इस प्रिंटर को पावर दीजिए, यहाँ पे पावर ऑन का जो बटन है इस पर क्लिक करके प्रिंटर को ऑन कर लीजिए। फिर जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको कॉपी करना है, फोटो कॉपी निकालना है, उसको आप अपने हाथ में लीजिए, यहाँ पर स्कैनर को आप ओपन कीजिए एंड फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैनर में यहाँ पर रखना है। रखने के बाद इस लीड को आपको क्लोज करना है। यहाँ पे पावर ऑन के बटन के बगल में आपको दो बटन्स देखने को मिल जाएगा, एक ग्रे कलर का है जो ब्लैक फोटोकॉपी के लिए यूज़ होता है एंड एक कलर यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलेगा जो कलर फोटोकॉपी के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं कलर फोटो यहाँ पे कलर फोटोकॉपी निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये जो कलर वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहाँ से पेपर अंदर जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो हमारा पेपर है वो अंदर चला गया है एंड यहाँ पे आप प्रिंटिंग स्पीड देख सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप मेरा हाथ यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे प्रिंटिंग स्पीड आप देखिए किस स्पीड से ये जो है ये कलर फोटोकॉपी यहाँ पे निकल रहा है एंड ये जो आप पेज देख रहे हो कलर फोटोकॉपी हमारा निकल चुका है एंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। अभी इसी पेपर को मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसी पेपर को फिर से मैं यहाँ पे इनपुट ट्रे में रख देता हूँ एंड इसके उल्टे साइड में मैं ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी निकालने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट हमारा अंदर यहाँ पे स्कैनर के अंदर रखा हुआ है, आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो ये बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे सेम प्रोसेस है, वहाँ पे जो हमारा पेपर है वो आप देख सकते हो अंदर जाना शुरू हो गया है एंड यहाँ से ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट जो हमारा फोटोकॉपी है वो निकल चुका है एंड क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर ये जो शेड है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो शेड है ये डार्क कलर का नहीं है, यहाँ पे लाइट कलर यूज़ किया गया है जिस वजह से यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का यहाँ पे शेड आया है। बट आप चाहो तो प्रिंटर के सेटिंग्स में चेंज करके ये जो कलर है इसको आप डार्क बना सकते हो। बाकी यहाँ पे डिटेलिंग आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कॉपी फीचर को कैसे यूज़ करना है ये भी आपने सीख लिया है। अभी सो नाउ स्कैन फीचर को कैसे यूज़ करना है आप सीखेंगे। ये प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर है इसलिए आपको सबसे पहले इस प्रिंटर को किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे आप विथ वायर कनेक्शन करें या वायरलेसली कनेक्शन करें, आपको इस प्रिंटर को किसी भी एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, उसके साथ सबसे पहले कनेक्ट कर दीजिए। फिर आपको एक डॉक्यूमेंट या एक फ़ोटो लेना है, जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट को ले रहा हूँ जिसको आपको स्कैन करना है। तो ये है प्रिंटर का स्कैनर, स्कैनर में आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रख देना है, स्कैनर को यहाँ पर बंद कर लेना है। अभी आपको एप्लीकेशन में चले आना है। सो यहाँ पे HP स्मार्ट एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे सेकंड में स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आउटपुट आप कलर आउटपुट चाहते हो या ब्लैक एंड वाइट आउटपुट चाहते हो, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को ग्रे नाम दिया गया है तो यहाँ से कलर या फिर ग्रे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कलर स्कैन करना चाहता हूँ एंड यहाँ से आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 300 DPI है, 150 DPI है, 75 DPI है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे DPI सिलेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा ये स्कैन करने में, बट उतना ही अच्छा क्वालिटी स्कैन का आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी में ये जो डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे स्कैन का बटन एकदम नीचे राइट कॉर्नर पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने रखा है वो स्कैन होना शुरू हो जाएगा एंड जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वैसे ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 20 सेकेंड यहाँ पे टाइम पास हुआ है एंड यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। अभी आप चाहो तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, सेव का बटन है, आप इसको एज अ इमेज, एज अ PDF
आप सेव करके रख सकते हो, या इसके साइड में ही प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी है, आप चाहो तो किसी को शेयर कर सकते हो, किसी को ईमेल में इस डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो। यहाँ पे फैक्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इस डॉक्यूमेंट को फैक्स भी कर सकते हो। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो या इमेज फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। एंड जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वायर के थ्रू कनेक्ट करके कैसे इस प्रिंटर में प्रिंट स्कैन एंड कॉपी फीचर को यूज करना है आपने सीख लिया है। HP DeskJet Ink Advantage 4178 जो प्रिंटर है ये वाईफाई प्रिंटर है, यानी आप वाईफाई फीचर के थ्रू बिना वायर कनेक्शन के भी इस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, मोबाइल एंड टैबलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, HP के जितने भी प्रिंटर्स आते हैं जिनमें वाईफाई फीचर है उसमें आपको ये आई का बटन देखने को मिल जाएगा। इस बटन के ऊपर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंटआउट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रिंटआउट यहाँ पे निकल रहा है, अभी आप देख पा रहे हो ये जो प्रिंटआउट अभी निकल रहा है, इस प्रिंटआउट में आपको, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखिए द वाईफाई डायरेक्ट नेम इज़, यहाँ पे वाईफाई का एक नाम दिखा रहा है एंड उसका एक पासवर्ड शो कर रहा है। ये हर एक प्रिंटर का अलग अलग होता है, हर एक प्रिंटर का यहाँ पे नाम एंड पासवर्ड अलग अलग आपको शो करेगा। तो आपका जो भी प्रिंटर है यहाँ पे आई बटन पे सिंपली आप क्लिक करना, प्रिंटआउट निकल जाएगा। प्रिंटआउट निकलने के बाद यहाँ पे जो भी नाम एंड पासवर्ड शो कर रहा है वो आप अपने पास रख लीजिए। सो अभी आपके प्रिंटर को आपके जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि मैं इस प्रिंटर को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने वाला हूँ, उस डिवाइस में यहाँ पे वाईफाई का जो फीचर है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके नोटिफिकेशन बार को नीचे करोगे तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उस वाईफाई के ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। यहाँ पे मैं फ़ोन में कर रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो लैपटॉप में भी वाईफाई को ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये जो प्रिंटर का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, आप देखिए सेकंड वाला ऑप्शन जो है डायरेक्ट 70 HP DeskJet 4100 सीरीज़, यहाँ पे ये जो प्रिंटर का नाम है ये शो कर रहा है। एंड बिल्कुल यही नाम आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है उस पासवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे प्रिंटर के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर लिया, ऑलरेडी मैंने पासवर्ड को यहाँ पे डाल के रखा था जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा, बट आप अभी इस मोबाइल फ़ोन के साथ इस प्रिंटर में कनेक्ट हो चुके हो। सो नाउ जिस भी फ़ोटो को या डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है उस फोटो या डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को ओपन कर लिया है, इस फोटो को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, हालांकि HP स्मार्ट एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन भी आता है, लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस एप्लीकेशन को अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्कैन भी कर सकते हो, किसी को फैक्स भी सेंड कर सकते हो एंड प्रिंट भी कर सकते हो। बट नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से हम बेसिकली प्रिंट के लिए ही कनेक्ट करते हैं अपने प्रिंटर को, तो प्रिंट के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस प्रिंटर का जो भी वाईफाई है उसके साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा एंड फिर यहाँ पे प्रिंट का जो भी ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है एंड यहाँ पे आप अपने प्रिंटर का नाम अभी देख सकते हो, क्योंकि आपने प्रिंटर के वाईफाई के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप कलर प्रिंट निकालना चाहते हो या ब्लैक एंड वाइट, उसका ऑप्शन आपके पास आ जाता है। मैं यहाँ पे कलर प्रिंट निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे पेपर साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे A4 साइज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हो, अभी ये लैंडस्केप में है, इसको मैं पोर्ट्रेट में कर देता हूँ तो ये पोर्ट्रेट में आ गया है। कितने कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हो प्रिंटर यहाँ पे नॉइस कर रहा है एंड वहाँ से पेपर अंदर जा रहा है एंड यहाँ से ये पेपर निकलने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मोबाइल से, मैंने नॉर्मल प्लेन पेपर में भी एक प्रिंट निकाला है एंड यहाँ पे ग्लॉसी फोटो पेपर में भी एक प्रिंट निकाला है। दोनों का क्वालिटी कैसा आया है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेम वे में आप वाईफाई फीचर का यूज़ करके अपने कंप्यूटर से, अपने टैबलेट से भी अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो एंड प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको स्कैन फीचर को यूज़ करना है या फैक्स करना है मोबाइल फ़ोन से, तो आपको HP स्मार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस पे। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। अगर आपको ये प्रिंटर बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। प्रिंटर के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे इस प्राइस रेंज के अंदर प्रिंटर में काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, प्रिंटर अच्छा है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।